जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme Note 1 स्मार्टफोन के बारे में। जो स्मार्टफोन पहले ग्लोबली लॉन्च होने वाला है और उसके बाद इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, तो आज इस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस एक OLED डिस्प्ले होने वाली है और यहाँ पर डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले बहुत ही कमाल की होने वाली है और यहाँ पर डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर HDR10+ और यहाँ पर डिस्प्ले 10 बिट होने वाली है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं होने वाली, डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो ये स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity का 7050 का चिपसेट होने वाला है और ये बहुत ही कमाल का चिपसेट है। ये 15,000 से 20,000 के स्मार्टफोन जो आते हैं उसमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर को आप 695 स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसके कंपेरिजन कर सकते हैं। उस लेवल का ये प्रोसेसर होने वाला है, जो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर नॉर्मल से गेमिंग भी कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में भी इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाली, प्रोसेसर बहुत ही कमाल का होने वाला है। और नेक्स्ट बात करें इसके कैमरे की, तो ये स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है, जिसमें यहाँ पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का होने वाला है और यहाँ पर थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का होने वाला है। और बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो ये स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी हो सकता है, तो यहाँ पर कैमरा भी अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर 67 वाट के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर इनबॉक्स होने वाला है। यहाँ पर बड़ी सी बैटरी होने वाली है और उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अच्छा काम किया है रियलमी ने, यहाँ पर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी इनबॉक्स देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस की और लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि 15,000 और 20,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इस प्राइस रेंज पर ये स्मार्टफोन आता है तो अच्छा फोन हो सकता है। और बात करें स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो स्मार्टफोन फरवरी या मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के प्राइस क्या होने चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ऑलवेज की बिस्माइल।